हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दाइन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री एमएचआई 107 को स्टडी करने वाले हैं। आपकी बुक M107 के अंदर में आपको पढ़ने के लिए मिलता है भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास सेकंड, जिसके अंदर में आप टाइम पीरियड को कवर करते हो 1700 से लेकर 2000 तक के बीच के। इस दौरान में कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन से इवेंट हुए और उन इवेंट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर में, पूरे बुक के अंदर में आपको यही पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और आपको एक आर्थिक संदर्भ इतिहास का समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में समझते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर में हम सेकंड लेसन को पढ़ेंगे। सेकंड लेसन के अंदर में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का इतिहास लेखन। भारत जब गुलाम था, गुलामी के दौर में किस प्रकार से आर्थिक इतिहास लिखा गया, ठीक है, आर्थिक संदर्भ क्या था औपनिवेशिक काल के अंदर में, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। अलग अलग आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग आर्थिक संदर्भ किस प्रकार से रहा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट लेसन है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनकर इस लेसन से आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अलग अलग दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें किस प्रकार से रहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आता है एक वर्ड उपनिवेशवादी इतिहास लेखन के बारे में। उपनिवेशवादी जो शब्द है उपनिवेश से बना है। उपनिवेश का मतलब होता है किसी के ऊपर अधिकार स्थापित करना, उप मतलब किसी के ऊपर और निवेश मतलब अधिकार स्थापित करना। तो उपनिवेशवादी जो मतलब दूसरों को गुलाम बना रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार से इतिहास है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश शासन को वैध ठहराने का कार्य करते हैं। वैध ठहराने का मतलब क्या कि जो भी व्यवस्था अपनाई जा रही थी ब्रिटिश शासक के द्वारा, गुलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, अलग अलग जगह पर जाके गुलाम बनाए जा रहे थे, उसको वो सही मानते हैं, उसको वो सही वैध ठहराने का कार्य करते हैं। साथ साथ में सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए इतिहास का इस्तेमाल करने का सैद्धांतिक प्रयास माना जा सकता है। यहाँ पर जैसे उन्होंने अपना सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया, आज के समय हम इंग्लिश के गुलाम हैं, एक तरह से हम आज़ाद हो चुके हैं। 15 अगस्त को हमने अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता दिवस मनाई, ठीक है, और आज़ाद तो हुए पर कहीं ना कहीं मानसिक रूप से, ठीक है, हम आज भी गुलाम हैं क्योंकि इंग्लिश के इर्द गिर्द घूमते हैं, इंग्लिश के बिना हमारी कोई अस्तित्व नहीं माना जा सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका सांस्कृतिक वर्चस्व हमारे ऊपर है, रहन सहन खान पान कपड़े लत्ते जो भी आप देखोगे अपने आसपास में ना, उसके अंदर में उनका सांस्कृतिक वर्चस्व का आपको झलक देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत कॉमन यहाँ पे आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी और इसी का सैद्धांतिक प्रयास यहाँ पे इतिहासकारों के द्वारा किया गया। एडम स्मिथ जैसे अर्थशास्त्री थे जो ब्रिटेन के द्वारा भारतीय वस्तुओं की आयात की खोज करी, किस तरह से भारतीय वस्तुओं की आयात की जाती थी ब्रिटेन के द्वारा, उसके बारे में वो बोलते हैं। औपनिवेशिक शासक जिसकी 18वीं से 20वीं शताब्दी तक भारतीय राष्ट्रवादियों ने विशेष रूप से धन की निकासी के कारण से आलोचना करी। देखो यहाँ पे जो आइडियोलॉजी आती है भारतीय राष्ट्रवादियों की हम बात करते हैं, जो एक राष्ट्र के प्रति अपनी भावना को सर्वोपरि मानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवादी जो भी विचारक रहे, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में जो औपनिवेशिक शासक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो गुलाम हमें बना के चल रहे हैं, ब्रिटिश सरकार है, वो क्या कर रही है, धन की निकासी कर रही है, ठीक है। धन की निकासी मतलब क्या हुआ कि यहाँ से धन निकाल कर दूसरी जगह लेके जा रही है, यहाँ से सारा पैसा संपत्ति निकाल कर दूसरी जगह लेके जा रही है। तो धन के निकासी की आलोचना की गई और बड़े लेवल पे की गई थी। इसका एक आपको ना स्वरूप भी देखने के लिए मिलेगा अगर आप स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हो कि किस तरीके से क्या चीज़ रही। ऐसा नहीं था स्वतंत्रता का मतलब कि 15 अगस्त 1947 को अचानक से आज़ादी हो गई, रात में उठे और आज़ाद हो गया देश, ऐसा नहीं था। उसके लिए एक लंबा संघर्ष रहा। तो जब आप संघर्ष को पढ़ते हो ना, तब आपको समझ में आता है चीज़ें किस तरह से रही। अगर आपको कभी डिटेल में जानना हो संघर्ष किस प्रकार से रहा, तो एक बुक है स्पेक्ट्रम करके, ठीक है, मोटी सी छोटी सी बुक है, आप उसको पढ़ो। बहुत डिटेल में चीज़ें दे रखा है कि किसका क्या रोल रहा, कैसे कैसे क्या चीज़ें रहीं, और भी बहुत सारी बुक है। बट एक नॉर्मल अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी जो स्पेक्ट्रम बुक है वो बहुत यूजफुल है, तो उसका यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरपी दत्त, रामकृष्ण मुखर्जी जैसे मार्क्सवादी विचारक, ठीक है, जो मार्क्सवादी लोग थे, जो विचारधारा थी, वो भी यहाँ पे भारतीय औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की आलोचना करते हैं। किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो परिवर्तित हो रही थी, उसको लेकर मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा भी आलोचना की गई। यहाँ पे अगर मार्क्सवादी विचारकों का नाम कभी आपको यूज़ करना हो, तो आरपी दत्त और रामकृष्ण मुखर्जी जैसे जो विचारक थे उनका नाम आप यूज़ कर सकते हो। आपको इस बुक के अंदर में जो भी इतिहासकार आएगा, विद्वान आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे विचारक आएगा, उसका नाम आपको ज़रूर याद रख के चलना है, क्योंकि उनके बेसिस पे ही आप अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो।
अगर हम बात करें आगे तो विपिन चंद्र की एक बुक लिखी गई थी विपिन चंद्र के द्वारा में, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, बहुत अच्छी बुक है। अगर आपने कभी नहीं पढ़ी है या नहीं सुना है तो जरूर एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि उसमें अंदर में इंडिया किस तरह से स्ट्रगल किया अपने इंडिपेंडेंस के लिए, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। ठीक है, सुमित सरकार की एक बुक है मॉडर्न इंडिया, बहुत अच्छी बुक, नॉलेजफुल, ठीक है, आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं। रचनाएं एम वामपंथी राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य की प्रतिनिधित्व करती है। ये जो दोनों बुक है ना, किस तरीके से वामपंथी और राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य, एक राष्ट्रवादी विचारधारा के इर्द गिर्द किस तरह से घूमती है, किस तरीके से उसको एक्सप्लेन करती है, इसका प्रतिनिधित्व करते हुए आपको दोनों बुक दिख जाएगा। दोनों बुक बहुत अच्छा है, आपको इसकी जो कॉपी है सॉफ्ट कॉपी ऑनलाइन भी मिल जाएगा गूगल में, तो वहाँ से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। इवन यूट्यूब पर कई सारे जो टीचर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियोज़ बना रखा है, तो इन बुकों को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। स्पेशली इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बहुत अच्छी बुक है विपिन चंद्र जी की। जबकि नई रचनाएं इस दृष्टिकोण की आलोचना करती है, जैसे ये जो विचारधारा थी ना उस टाइम की, वो राष्ट्रवादी वामपंथी जो विचारधारा है ना उसको समर्थन करती थी, उसका प्रतिनिधित्व करती थी ये दोनों बुकों के अंदर में। पर जो नई रचनाएं उसके बाद में जो नई किताबें छापी गई, नई किताबें लिखी गई, उसके अंदर में इस तरह के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए देखे जाते हैं। ठीक है, इस तरह की जो दृष्टिकोण थी उसकी आलोचना की गई, लेकिन इसका प्रमुख मुद्दे पूरी तरह से वो उजागर नहीं कर पाते। जो मेन पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ पॉइंट था ना बुक का, ठीक है, उसके वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप आलोचना तो करते हो ऐसे में, मतलब की बातें बोल दो, बट वो जो मेन सेंटर अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट या मेन सेंटर ऑफ पॉइंट था बुक का, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। जो हमारा फर्स्ट स्लाइड था ना, अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा में, अलग अलग विचारकों के द्वारा में क्या कहा गया, क्या मानना था, उसके बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और डिटेल में जो ये पूरी चैप्टर है ना आपका सेकंड चैप्टर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जिससे कभी आपको दिक्कत ना हो। और मेरा कोशिश ये रहेगा ना कि सिंपल लैंग्वेज में, जो एक आम व्यक्ति का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में आपके माइंड में चीज़ें सेट की जाएँ जिसे आप भूलो नहीं और अच्छे से एग्जाम में लिख कर रहो। बुक का अगर लैंग्वेज बोलना होता तो डायरेक्टली रीड करके आपको समझा देता, बहुत होता है इतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या कहा गया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों और विद्वानों ने तर्क दिया कि भारत में ब्रिटिश शासन शांति, सुशासन और आधुनिकीकरण लाया। अब देखो, आप कभी किसी से लड़ाई करोगे, भले ही आपकी गलती है, बट आपसे पूछा जाएगा तो आप ये थोड़ा डायरेक्टली स्वीकार कर लोगे कि हाँ हाँ मेरी गलती है, मैंने ही हुआ। आप भाई बहन में भी आपस में लड़ाई हुआ होगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम अपने आप को डिफेंड करते हैं, अपना जो खास चीज़ें हैं ना वो बताते हैं कि यार मैंने तो ऐसा किया ही नहीं, इसने किया था, सारी गलती इसी की है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे उपनिवेशिक जो सरकार थी, वहाँ पे ब्रिटिश सरकार थी, वो अपने आप को प्रूफ करती है, मतलब वहाँ पे रखती है अपनी बातें कि हमारे कारण से भारत के अंदर में शांति व्यवस्था स्थापित हो रखा, सुशासन व्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से एकदम है, आधुनिकीकरण, नए नए तकनीकी व्यवस्था का विकास हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे द्वारा की गई, तो हम उस देश का बुरा क्यों चाहेंगे, लोग गलत है भाई, हम तो सही हैं, हम तो देखो देश के अंदर में शांति कर रहे हैं, हमारा एकदम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, जो कानून तोड़ रहा है उसको जेल में डाल रहे हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण, नए नए तकनीक ला रहे हैं। ठीक है, उन्होंने रेलवे, सिंचाई, पश्चिमी शिक्षा, स्वशासन की तैयारी जैसे, मतलब जो बुनियादी ढांचे थे उस पर निवेश पर प्रकाश डाला, इन सब चीज़ों के बारे में वो बोलते हैं। ठीक है, जिससे वो अपना आपको एक वाइट वॉश करके रख सके कि देखो मैंने आपके लिए काम किया है, आपको गुलाम नहीं बनाया, मैंने तो आपके लिए काम किया, आपका पैसा आपके ऊपर इन्वेस्ट किया। पर यहाँ पे जो राष्ट्रवादी विचारक थे उनका ये मानना था कि आप हमारा धन निकासी कर रहे हो, यहाँ से पैसा निकाल कर अपने देश में ले जा रहे हो, अपने देश के अंदर में इसको इन्वेस्ट कर रहे हो, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार, वो ये मानती थी कि हम आपके देश के अंदर में वर्क कर रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं, रेलवे जैसी जो बुनियादी ढांचे हैं वो स्थापित कर रहे हैं, यातायात की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम विकसित कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बोली जाती थी। एरावेस्टा और थियोडोर मॉरिस जैसे जो विद्वान थे, उन्होंने कुछ शोषण को स्वीकार किया। किस तरीके से शोषण किया जाता था, शोषण का क्या आधार था, किस तरीके से क्या चीज़ें कहाँ पे रूल ऑन होती थी, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे कई सारे इतिहासकारों ने, कई सारे विद्वानों ने स्वीकार किया कि ऐसा ऐसा हुआ। उसमें से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरावेस्टा और थियोडोर मॉरिस जैसे जो मॉरिसन जैसे जो इतिहासकार विद्वान रहे, उन्होंने भी इसको मानते हैं। पर वो राष्ट्रवादी विचारकों की इसकी आलोचना करते हैं, वो कभी भी ब्रिटिश शासक के खिलाफ नहीं बोले, उनके बचाव में ही वो उतरते हैं। ठीक है, कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे मालूम है वो गलत है पर फिर भी वो मेरा देश का वो है। ठीक है, ये चीज़ें आपने मिर्ज़ापुर का एक डायलॉग सुना होगा कि वो ऐसा है डैस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरा बेटा है इससे फ़र्क पड़ता है।
ठीक है, तो इस तरह का ऐसा डायलॉग था। तो सेम चीज़ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इतिहासकार रहे, विद्वान रहे, वो आपको उसके अंदर में वो चीज़ झलक देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बढ़ाया गया, मतलब उनको पता है कि ये गलत है, पर फिर भी कहीं ना कहीं उनको वो डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें तो राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण था, राष्ट्रवादी जो विचारक रहे, उनके द्वारा क्या माना गया, तो दादा भाई नौरोजी जो थे, आरपी दत्त हो गए, ये राष्ट्रवादी विचारक के अग्रिम पंक्ति में आते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया कि ब्रिटिश शासन ने भारत से धन निकासी की, जिससे गरीबी और विद्योगीकरण हुआ, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से बोल सकते हो। ठीक है, भारत के अंदर में जो इंडस्ट्रीज लगने वाली थी ना, औद्योगिकरण की शुरुआत होने वाली थी, धन निकासी के कारण से, पैसा भारत से निकलने के कारण से, जिस स्तर पे होना चाहिए ना औद्योगिकरण, उद्योग लगने चाहिए, इंडस्ट्रीज लगने चाहिए, वो नहीं हुआ, वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, जो वी औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज हटती हैं, ठीक, कम होती चली जाती है। तो इस तरीके से गरीबी, भारत और गरीब होता चला गया, क्योंकि आपने एक तरफ तो कर बढ़ाया, कर बढ़ाने के बाद जो पैसा वसूल किया आप उसको लगाने के बजाय आप उसको कहीं और दे रहे हो, किसी और देश को दे रहे हो, ठीक है, किसी और देश में लेके जा रहे हो, तो वो बेकार है ना। आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो टैक्स गवर्नमेंट वसूल करती है, टैक्स वसूल करने के बाद अगर मान लो कोई बड़ा घोटाला करके भाग जाए, दूसरे देश में चला जाए, तो यार आम जनता का पैसा लेके चला गया, उसको फिर वसूल करने के लिए आप टैक्स बढ़ा दोगे, आम जनता तो ऐसी मरती रहेगी, उसको सुविधा तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है। उन्होंने ब्रिटिश उद्योग के पक्ष में भारतीय कृषि उपेक्षा और वित्तीय नियंत्रित करने वाली नीतियों की आलोचना करी। जैसे यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था थी, जो भी उनके द्वारा सरकार संचालित की जा रही थी, तो यहाँ पे देखा गया कि ब्रिटिश उद्योग बढ़ता जा रहा था, जबकि भारतीय कृषि जो थी उस समय उसकी उपेक्षा में बहुत धीरे पीछे होता जा रहा था। वित्त को नियंत्रित करने वाली जो नीतियां थी वो उसकी आलोचना करते हैं, राष्ट्रवादी विचारकों के द्वारा किया जाता है आलोचना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके माइंड में ही चल रहा था कि जो हमारा धन की निकासी के कारण से इंडस्ट्रीज है वो तो हटता जा रहा है, ब्रिटिश उद्योग बढ़ रहा है, बट जबकि भारतीय उद्योग जो है इंडियन इंडस्ट्रीज वो पीछे होती जा रही है। तो ये चीज़ें थी, और कृषि जैसे जो क्षेत्र थे ना, जो मतलब एक तरह से जनक के तौर पर माना जाता था, ठीक है, वो मतलब फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोल सकते हो उनको। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री कहने का मतलब इस तरह से, इंडियन हिस्ट्री कहने का मतलब ये नहीं है कि इंडियन इतिहास के अंदर में उन्होंने कोई काम किया। फार्मर्स को एक तरह से फादर के तौर पे देखा जाता है कि भैया वो जन्मदाता हैं, अन्नदाता हैं, वो उस तरीके से देखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके साथ साथ में अब ये धन निकासी का इम्पैक्ट इतना छोटा सा नहीं है कि राष्ट्रवादी सिर्फ उठा रहे हैं और कुछ और नहीं। ठीक है, धन निकासी के कारण से अकाल जैसी समस्या आपको देखने के लिए मिलती है, आर्थिक शोषण जैसे हालात बनते हैं, क्योंकि इसके लिए कर भी इंक्रीज किया जाता है। औपनिवेशिक नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, ना कि भारतीय विफलताओं के लिए। ठीक है, यहाँ पे भारत, ये जैसे एक चीज़, ये जो लास्ट वाली लाइन थी ना कि भारतीय विफलताओं के लिए, औपनिवेशिक नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, ना कि भारतीय विफलताओं के लिए, ये जैसे आप इस लाइन को अगर आप समझोगे तो जो राष्ट्रवादी विचारक थे वो ये मानते थे कि जो औपनिवेशिक सरकार की नीतियां हैं, किस तरीके से रूल कर रहे हैं, किस तरह से रेगुलेशन कर रहे हैं, क्या चीज़ें उनकी हैं, तो वो गलत है, उसके कारण से हम अकाल को फेस कर रहे हैं, उसके कारण से हम आर्थिक शोषण को फेस कर रहे हैं, तो जो उनकी नीति है वो गलत है। वो ये नहीं मानते थे कि भारत के अंदर में क्या विफलताएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह का इम्पैक्ट है, तो ये चीज़ें वो नहीं देखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई, और ये रियलिटी भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। आप एक राष्ट्रवादी विचारक हो, राष्ट्र के पक्ष में हो, समझ में आता है। ठीक है, आपका राष्ट्र सर्वोपरि है, ये भी समझ में आता है। आप किसी के गुलाम बने हुए हो, आजाद होना चाहते हो, ये भी समझ में आता है। बट कुछ नीतियों को आपको जब आप क्रिटिसाइज करते हो तो अपने आप पक्ष भी आपको देखने की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें रहती है। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो और भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ लेके चल रहा हूँ जिससे माइंड में क्लियर हो कि क्या चीज़ें कहाँ पे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो मार्क्सवादी जो दृष्टिकोण यहाँ पे आता है, तो आरपी दत्त, रामकृष्ण मुखर्जी और इरफान हबीब जैसे जो इतिहासकार हैं वो मार्क्सवादी विद्वानों के तौर पर जाने जाते हैं। इरफान हबीब तो अभी भी आप इनको देख सकते हो, तो मार्क्सवादी विद्वानों के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने तर्क दिया कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ब्रिटेन में पूंजीवाद विकास की जरूरतों से प्रेरित था। भारत के अंदर में जो उपनिवेशवाद था ना, ब्रिटेन का जो गुलामी का दौर था, भारत को किस तरह से ब्रिटेन के द्वारा गुलाम बनाया गया, वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी विकास की जरूरतों से प्रेरित था। पूंजीवादी के विकास के अंदर में क्या क्या चीज़ें जरूरत है, किस तरीके से जरूरत है, जैसे धन निकासी जैसे चीज़ें की जा रही थी, इंडस्ट्रीज भारत के अंदर में लाया जा रहा था, भारत के संसाधनों को अपने देश लेके जा रहे थे वो, तो किस तरीके से चीज़ें हो रही थी, तो वो कहीं ना कहीं ये मानकर चलते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था था ना, वहाँ का
उससे प्रेरित ये पूरी व्यवस्था मानकर चलते हैं। इसका इम्पैक्ट वो क्या बताते हैं कि इसका इम्पैक्ट के तौर पे देखने के लिए मिलता है शोषण जैसी चीज़ें, दरिद्रता जैसी चीज़ें भारत के अंदर में पैदा होती हैं और ये इसका इम्पैक्ट के तौर पर वो देखते हैं। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक शोषण के नकारात्मक प्रभाव पर जोर देते हुए राष्ट्रवादी विचारकों की आलोचना करी। देखो इनका जो मार्क्सवादी विचारक थे उन्होंने राष्ट्रवादियों की भी आलोचना करी। इसका मेन रीजन क्या रहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक शोषण के नकारात्मक प्रभाव, जो औपनिवेशिक शोषक थे जो ब्रिटिश सरकार थी वो किस तरह से उसके नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसका वो डिटेल में एनालाइज करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं और साथ साथ में जो राष्ट्रवादी विचारक है जो उनकी स्टैंड है उसको लेकर भी उसकी आलोचना की जाती है। तो यहाँ पे मार्क्सवादियों के द्वारा में ये स्टैंड यहाँ पे लिया जाता है। नाम आपको जरूर याद रखना है, आरपी दत्त, रामकृष्ण मुखर्जी, इरफान हबीब जैसे जो इतिहासकार हैं वो मार्क्सवादी विद्वानों के तौर पे जाने जाते हैं। बाकी तो पिक्चर में आपको कार्ल मार्क्स दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद करके चलना है। आगे हम बात करें तो इतिहास लेखन के मुद्दे और विषयों के बारे में अगर देखें तो उस टाइम पीरियड के अंदर में जब आप बात करते हो कि भाई सत्तर मतलब गुलामी के दौर के अंदर में तो कौन कौन से विषय और मुद्दे प्रमुख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखोगे तो 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद, जब उपनिवेशवाद की हम बात करते हैं तो मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा गुलाम बनाया जाना, ये एक प्रमुख मुद्दे के तौर पे 18वीं शताब्दी के अंदर में रहा। उपनिवेशिक शासन का प्रभाव किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था, तो जैसे कर व्यवस्था को बढ़ा दिया गया था, ठीक है, नई नई नीतियाँ लाई जा रही थी, इंडस्ट्रीज के अंदर में चीज़ें की जा रही थी, ठीक है, तो उपनिवेशिक व्यवस्था का प्रभाव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा था लोगों के ऊपर में, इसके बारे में हम बात करते हैं। निरौद्योगिकरण मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से, तो इसका क्या इम्पैक्ट था, तो राष्ट्रवादियों की विचार था ये मानना था उनका कि धन के निकासी के कारण से जो इंडस्ट्रीज भारत के अंदर में होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था भारत के अंदर में होनी चाहिए थी वो भारत के अंदर में नहीं हो पा रहा है, वो बाहर जा रहा है। तो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर में भी जोर देते हैं कि भारत की जो मूल व्यवस्था है, ये दो यहाँ पर लॉजिक्स आते हैं। सबसे मेन चीज़ एक तो ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि धन निकासी और बाकी चीज व्यवस्थाओं नीतियों के कारण से भारत के अंदर में इंडस्ट्रीज नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरी तरफ ये भी जोर देते हैं कि इन इंडस्ट्रीज़ को हटाने की ज़रूरत है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनके कारण से जो मूल भारत का अस्तित्व है, मूल उद्योग है, कृषि व्यवस्था है, बाकी चीज़ें वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है, एक वर्ग पीछे होता चला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी यहाँ पर जोर दिया जाता है, ठीक है। धन की निकासी के बारे में तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, तो धन की निकासी जैसे प्रमुख मुद्दे रहे। कृषि का व्यवसायीकरण किस तरीके से, कृषि को एक व्यवसाय के तौर पे अपनाया गया, ठीक, किस तरह के उसको मार्केट में लाया गया, किस तरह से चीज़ें की गई, ठीक है, उसको लेकर क्या क्या नीतियाँ बनाई गई, किस तरह से खेतों को बंटवारा, बाकी चीज़ें और भी दी, ठीक है, तो उनको यहाँ पे आप देख सकते हो। कर व्यवस्था जैसी चीज़ें लागू करना, तो कृषि का व्यवसायीकरण किस प्रकार से हुआ ये एक यहाँ पे आ जाता है। आधुनिक उद्योग का विकास की अगर आप बात करो तो आज के टाइम में कि मतलब किस तरह से उद्योगों का विकास हुआ, किस तरह से चीज़ें अपनाई गई, नई नई तकनीकें, नई नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, किस तरह से परिवर्तित होती चली गई, किस तरह से आगे बढ़ी, ठीक है, ये यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा। तो ये कुछ प्रमुख मुद्दे और विषय रहे जो इतिहास के संदर्भ में आपको पढ़ने के लिए मिलता है, और जो हमारा लेसन सेकेंड था यहीं पर एंड होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो समझ में आया होगा। कहीं पे अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में आप सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपके एक एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अच्छे से मेहनत कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हम पीछे काफ़ी समय से वीडियोज़ नहीं बना पा रहे हैं और वी आर फेसिंग सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेन रीज़न यहाँ पे ही आता है, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी आप चाहें हमारी हेल्प कर सकते हैं। इवन इन नंबरों पे भी किसी भी यूपीआई ऐप की मदद से आप जो भी हेल्प करना चाहें कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हेल्प करी है, ठीक है, 10, 20, 50 कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हेल्प करी है, तो जिन्होंने भी हेल्प किया तो उन सबको हमारे दैनिक पूरे परिवार की तरफ से थैंक यू सो मच। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो आप पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हैं उसके लिए, और आपके जो वीडियोस हैं आपके एक हेल्प से टाइम से वीडियोस बनने की तैयारी हम कर सकते हैं, बनाने की तैयारी कर सकते हैं, वीडियो टाइम पे मिल सकता है आपको। यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।